हेलो नमस्कार, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलास्ट दीप। तो बहुत दिनों से जो बोल रहा था कि राइड आने वाला है क्योंकि विंटर आ रहा है। तो आज है 1 नवंबर और आज वो राइड होने वाला है। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 4:37। मोटो ब्लॉग सेटअप में आप लोग को बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरे साथ कौन कौन चल रहा है, क्योंकि अभी तो सुबह नहीं हुआ है। सुबह होने पर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अच्छा, बहुत दिनों से इंतज़ार करवाया तो सॉरी। तो आज की राइड शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर, जय भोले शंकर। तो हम जा रहे हैं सिक्किम। आज कितना कवर करते हैं देखते हैं। अभी तो अंधेरा है, इतना बात नहीं करेंगे। जब उजाला होगा तब बात करेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है, सनराइज हो चुका है थोड़ा टाइम पहले। तो ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है, मज़ा लग रहा है। अंदर मेरा एक टी-शर्ट ही है सिर्फ, तो इसी से थोड़ी देर चलाते हैं। थोड़ी सी ठंड लग रही है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। गुवाहाटी और बच्चा है 79, बोंगाईगांव 258। कैमरा ऑफ किया तो पूरा फॉग आ चुका है। सारे ग्रुप रहते तो अच्छा होता, लेकिन दोनों सोलो निकल रहे तो इसमें भी मज़ा लग रहा है। वो अंधेरा हो रहा था इसलिए मतलब ऐसा मोबाइल नहीं निकाला। तो अभी सवेरा हो चुका है, मेरे साथ है पल्लव और इस राइड पे हम दोनों ही हैं एक्चुअली, और ज़्यादा लोग नहीं हैं इस बार। माधव नहीं है साथ में, तो चलते हैं अभी देवखाल मंदिर में, थोड़ा सा रुके हैं। तो ये दोनों बाइक पे दोनों आए हैं, मेरे हिमालयन और उसका एक्सपल्स 4 भी। धूप निकल चुका है बॉस, अभी तो गुवाहाटी में होना चाहिए था, 1 घंटा लेट में, मेरी वजह से पल्लव भी। अभी आके जुड़ावत पहुँच चुका हूँ, पल्लव पीछे रहेगा तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ। अभी मैंने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा जाके, उससे एक ही स्पीड पकड़ के रखा ना, 100 100 ट्रेन। तो यहाँ फुल टैंक कर लेते हैं। अभी वी हैव रीच्ड खानापाड़ा। अभी तो मॉर्निंग के 7 बजे तो इसलिए इतना रश नहीं है, रोड्स बन रहे हैं। पहुंच गए हैं जालूकबाड़ी। तो यहाँ नलबाड़ी में प्रोनीता होटल में हमने ब्रेकफास्ट करा, पूरी सब्जी आप लोगों ने दिखाई। तो हम यहाँ से निकलते हैं, आज कितना खींच सकते हैं हम देखते हैं। बाकी बढ़िया, अच्छा लगा खा के। पल्लव का रिकमेंडेशन था, ये 5 साला क्रॉस करके आए। यहाँ से हावली है 13-14 किलोमीटर एंड बोरपेटा रोड है 23 किलोमीटर। और अभी डायरेक्ट हम स्टॉप लेंगे थोड़ा बोंगाईगांव पे। बोरपेटा रोड वगैरह में कुछ कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, सिर्फ बोंगाईगांव है। यहाँ से दिखा रहा है 70 किलोमीटर और 1 आवर 20 मिनट। इतने टाइम 1 आवर हम खींचने की ट्राई करेंगे। तो हम उस तरफ से आए थे, राइट लेना था, अभी रिटर्न हो रहे लेफ्ट। लास्ट बारी भी यही गलती करा था, अभी यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। लेफ्ट जाएंगे तो बोंगाईगांव यहाँ से 9.7 दिखा रहा है। अभी रोका था मैं क्योंकि लास्ट बार जब आए थे एक होटल था, उसी होटल में हमने लॉन्च करा था 2:30 बजे। मतलब अभी टाइम हुआ है 11:20, अभी तो 12 भी नहीं बजे, लेकिन हम तो गैंगटॉक आराम से खींच सकते हैं। खाली बोलो भाल लगेगा, रास्ता बिला भाल बोलो। अभी श्रीरामपुर गेट बचा हुआ है 30 किलोमीटर, बोलते बोलते 1 किलोमीटर चला ही आया, 29 ऐसा कुछ बचा हुआ है।
अभी थोड़ा सा ख़राब रास्ता मिला है क्योंकि रोड्स अंदर कंस्ट्रक्शन एरिया है। 1 किलोमीटर है श्रीरामपुर गेट और यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लिया है 550 ऐसा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। नाउ वी आर एट वेस्ट बंगाल, टाइम बता देता हूँ मैं, 12:30 बजने वाले हैं, 12:24। वी हैव एंटर्ड वेस्ट बंगाल ब्रो। माउंटेन्स देखो आप आगे, माउंटेन्स आप देख रहे हो उधर ही हम जाने वाले हैं। दिस इज बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो लास्ट ब्लॉग लास्ट ईयर का ब्लॉग है उसमें दिखाया था, जो यही है, तो यही है बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होटल असल यहाँ से बसा है सेवोक, सेवोक तक तो 130 थी ऐसा होगा, और सेवोक से फिर गैंगटॉक होगा 91 किलोमीटर ऐसा कुछ है। हम 300 किलोमीटर आ चुके हैं होटल से जहाँ हमने लॉन्च करा था। अच्छा होटल है, मेरा तो आज भेज है क्योंकि हनुमान चालीसा बात करता हूँ। और आ गए हसीमोदा गुरुद्वार साहेब, हसीमोदा है ये, हसीमोदा। दोनों तरफ चाय के बागान, थोड़ी देर पहले लेफ्ट साइड पे ही था, अभी राइट साइड में भी है। जय गांव जो भूटान जाने का रास्ता राइट में था ना, जो उसे छोटा सा रास्ता था वही है। यहाँ से धूपगुड़ी माल बाजार है 82 किलोमीटर, हम माल बाजार ही जाएंगे अभी। मंकी सो वी शुड ड्राइव स्लो, बंदर के बच्चे हैं। तो मुझे जाते दिख गया ये जबलपुर नेशनल पार्क, सिग्नल पड़ा हुआ है अभी। तो इस गाड़ी में साई की पत्ती है शायद, साई की पत्ती मे बी। तो माल बाजार यहाँ से 48-49 किलोमीटर्स बसा हुआ है और गैंगटॉक है 170 किलोमीटर्स अभी भी। तो अभी ये सीधे रास्तों पे ही थोड़ा सा मतलब स्पीड पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। ऊपर से ये गाड़ियाँ भी बहुत चलती है इधर इधर, क्या ये तो रोड ही ऐसा है। डूब आ नहीं रहा, अभी निकलना पड़ेगा जल्दी, राइनो क्रॉसिंग एरिया। तो ये एक अलग फॉरेस्ट है, इसका नाम है अपार टेंडू फॉरेस्ट एम, ऐसा लिखा हुआ है, अपार टेंडू फॉरेस्ट एम। गूगल मैप पे जो लिखा हुआ है वही तो बोल उसे ही बोलना पड़ेगा। फॉरेस्ट से निकलने वाला हूँ इधर से, लास्ट पॉइंट है ये टर्निंग, लास्ट टर्निंग इस फॉरेस्ट में। हिल्स में एंट्री हो चुकी है, गैंगटॉक यहाँ से 93 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। टाइम इज एक्यूरेट 5:30 PM।
अभी सोचो हम कहाँ पे हैं। गैंगटॉक अभी भी जाना है हमें 72 किलोमीटर घर से डायरेक्ट गैंगटॉक। अरे वाह क्या बात है, आज में हमने खुद के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाईएस्ट वन डे रिकॉर्ड था मेरा 560 किलोमीटर। क्या हो गया बाइक पर? हवा तो बिल्कुल ही नहीं है। लोड है आपका भाई? हाँ लोड है लेकिन जाना तो पड़ेगा। एकदम कौन नहीं है क्या? एकदम नहीं है। पीछे का था एकदम फ्लैट, क्या हो गया पता नहीं। अबे फॉर्मूला एक्स डाल के लाया था, अबे क्या हो गया बाइक को, हद तेरी की। अभी अच्छे से ज़्यादा मुझे लगा था थोड़ा बहुत हल्का सा ऐसा लग रहा था हवा जा रहा है जैसा, लेकिन फॉर्मूला एक्स तो लगाया था। अभी टाइम है 7:54 और क्या हो गया है बाइक पंचर, पीछे का था पंचर, मतलब इतना बड़ा है 1 इंच का किल घुस गया है। तो मैंने तो फॉर्मूला एक्स भी डाला था जो लिक्विड होता है, लेकिन उसने काम नहीं किया, पूरा लिक्विड टायर पे भी पूरा मतलब निकल गया है। गैंगटॉक बचा है 60 प्लस ऐसा है कुछ, और लगेंगे 1.5 घंटे अब भी, और ये काम होने के बाद मतलब ये सिचुएशन ना हो इसलिए मैंने फॉर्मूला एक्स डाला था, लेकिन फिर भी ये हो गया। और ये लगभग हुआ था 7 बजे के बाद, अभी आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ से नीचे से जाना पड़ता है उस शॉप पे, तिस्ता बाज़ार जो है वो वाला रोड, राइट में घुसते हैं अंदर तक नीचे तिस्ता ब्रिज के नीचे। फाइनली गैंगटॉक पहुंच चुका हूं और होटल रूम मिल चुका है, क्योंकि हमने बुक करके रखा था जो ये कांद जो पंचर वाला कांद था उसके पहले ही हमने बुक करा था, उसके बाद वो हो गया। हालत एकदम ख़राब है, लेकिन ब्लॉग में तो दिखाना होगा क्या कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कैसे गया, सिर्फ पंचर ही दिखा के छोड़ दिया ऐसे बोल देंगे। लेकिन उसके बाद 1 घंटा लगभग लेट हो चुका था वो रिपेयर करने में, रिपेयर तो क्या ट्यूब भी चेंज कर दिया, वो भी साइज़ कम है, मुझे चाहिए हिमालयन का रियर टायर है 120x90 और उसमें ट्यूब डाला है 190। तो आज तो 5 मिनट का काम नहीं हो पाया क्योंकि अभी लगभग 11 बज चुके हैं, अगर 9 बजे तक भी पहुंच सकते तो कुछ हो सकता था। हमने एक दिन घटाने की सोची फिर एक दिन बढ़ ही गया, तो क्या फ़ायदा, बाकी और बातें करने की मतलब हिम्मत नहीं है पूरा धूल। तो खैर छोड़िए, आज के दिन के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और अभी हिम्मत नहीं है खाना खा के सो जाऊँगा। गुड नाइट, मिलेंगे कल। ये महाराजा है, देखिए खुश के वाला तेरे को जान। और ये फ्लैग है हमारा, और ये सामने का व्यू, हम पीछे से आ रहे थे।